यहाँ पर अपनी गौरवमय उपस्थिति को दर्ज करा रहे हो। हरियाणा की कमान अब फिर से नायब सिंह सैनी के हाथों में आ गई है। हरियाणा बीजेपी की बैठक में कल नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया था। उनके नाम पर बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से मोहर लग गई थी। वहीं अब नायब सिंह सैनी ने फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है। इस पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें अनोखे अंदाज में बधाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नायब सिंह सैनी के शपथ को लेकर के सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, श्री नायब सिंह सैनी जी को हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और आपके यशस्वी नेतृत्व में विकसित हरियाणा, विकसित भारत की संकल्पना साकार होगी। बता दें कि नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मुख्य मेहमानों में से एक थे। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नायब सिंह सैनी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार आ चुकी है। ओबीसी नेता नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राजद के कई नेताओं की मौजूदगी में सैनी और उनके मंत्रियों ने शपथ ली। वाल्मीकि जयंती के दिन रखे गए शपथ ग्रहण समारोह में 13 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इस तरह हरियाणा में मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री बनाए गए हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अनिल विज, कृष्णलाल पनवार, साथ ही राव नरवीर सिंह जैसे सीनियर लीडर्स को मंत्री पद की शपथ दिलाई। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।